हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीपीएस ट्यूटोरियल। सो गाइस, आज हम करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ लेबियो रोहिता। हमारी लास्ट वीडियो में हमने किया था एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ लेबियो रोहिता। जिसने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है, प्लीज पहले वो वाली वीडियोस देखो, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम पर आना, ताकि आपका एक्सटर्नल फीचर्स इसके क्लियर हो और साथ के साथ आप अपने नोट्स बनाते रहना। तो गाइज, आपको पता है बहुत बेसिक सी बात है, हमें डाइजेस्टिव सिस्टम रीड करना है। तो आप सोच सकते हो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली आपको पता है टू पार्ट्स में होगा, एलिमेंट्री केनाल एंड द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब एलिमेंट्री केनाल में आप सोच सकते हो क्या क्या होगा। माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, फिर इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम। तो ये सब हमारा आ जाएगा एलिमेंट्री केनाल में। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में मैं आपको बता देती हूँ, लेबियो रोहिता में दो ही डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होंगे, वो है हमारे लीवर और पेनक्रियास। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ लेबियो रोहिता का। तो आगे स्लाइड में देखते हैं क्या क्या है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल वही है, मैं आपको बता दिया मैंने कि इसमें एलिमेंट्री केनाल होगा और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होंगे। एलिमेंट्री केनाल में माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, ये सब प्रेजेंट होंगे। अब हमें पढ़ना है माउथ के बारे में, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं माउथ से। माउथ क्या होगा गाइस, सब टर्मिनल माउथ होगा यहाँ पे। व्हाट डू यू मीन बाय सब टर्मिनल। वैसे मैं एक्सटर्नल फीचर्स में बता चुकी हूँ, तो यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं दोबारा हम। सब टर्मिनल माउथ वो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि टर्मिनल माउथ कौन सा होता है, जो बिल्कुल फिश के मतलब जहां से माउथ स्टार्ट हो रहा है ना, अगर वो बिल्कुल एंड पे प्रेजेंट है देन इट विल बी टर्मिनल माउथ। अगर वो एंड पे नहीं है, थोड़ा ऊपर है, एंड से ऊपर के साइड में होता है, तो उसको हम बोलते हैं सब टर्मिनल माउथ। द माउथ इज अ सब टर्मिनल बाउंडेड बाय फ्लैशी अपर एंड लोअर लिप्स होंगे उसमें, और जो इसके लिप्स होते हैं उसमें 4 to 5 रोज ऑफ कॉनिकल पैपिले होते हैं। ये मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी कि कैसे प्रेजेंट है, कहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद गाइस हमारे पास आ जाती है बक्कल कैविटी। अब ऑब्वियसली है, माउथ के बाद क्या आएगी, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में क्या होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग द बक्कल कैविटी, उसमें भी पैपिले होंगे, माइन्यूट पैपिले। और मैं आपको ये बात पहले लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो हमारी लेबियो फिश है उसमें टीथ और टंग एब्सेंट होते हैं बक्कल कैविटी में। टीथ एंड टंग आर नॉट प्रेजेंट। और जो फ्लोर है बक्कल कैविटी के फ्लोर पे क्या होगा, थिक मसल्स प्रेजेंट होंगी। तो ये सब एक बार हम पहले डायग्राम के थ्रू क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की थ्योरी पढ़ेंगे। फेरिंग्स, इसोफेगस, इसके बारे में बाद में पढ़ते हैं, पहले लेट्स गेट क्लियर थ्रू द डायग्राम। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइज, ये थोड़ा नीचे की तरफ है, तो सब टर्मिनल हमारे पास यहाँ पे माउथ है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ऊपर की तरफ अपर लिप एंड हेयर दिस इज लोअर लिप। अब आप देख सकते हो इसमें डॉट 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 स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो ये क्या है हमारे पास, पैपिलेस। तो ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर हमारा पैपिले है। उसके बाद माउथ के बाद हमारे पास आ जाता है बक्कल कैविटी वाला रीजन। अब ये देखो, ये हमारी बक्कल कैविटी है, ये वाला रीजन है जो, दिस इज बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में मैंने आपको बताया था कि बक्कल पैपिले प्रेजेंट होंगे, देख सकते हो आप स्मॉल स्मॉल बक्कल पैपिले प्रेजेंट है। अब बक्कल कैविटी के बाद हमारे पास कौन सा रीजन आ जाता है, बक्कल कैविटी के बाद आता है फेरिंग्स रीजन। अब फेरिंग्स रीजन में क्या होगा, फेरिंग्स रीजन सबसे पहले हमारे पास दो पार्ट्स में है यहाँ पे, एंटीरियर फेरिंग्स और पोस्टीरियर फेरिंग्स। ये रहा यहाँ पे हमारे पास एंटीरियर फेरिंग्स एंड हेयर इज पोस्टीरियर फेरिंग्स। जो एंटीरियर फेरिंग्स है, दिस इज अवर रेस्पिरेटरी पार्ट, हम इसको बोलेंगे एंटीरियर रेस्पिरेटरी फेरिंग्स। और जो पोस्टीरियर फेरिंग्स है, इसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर मेस्टिकेटरी पार्ट या फिर पोस्टीरियर मेस्टिकेटरी फेरिंग्स। तो इसमें क्या होगा, अब जो रेस्पिरेटरी पार्ट है ऑब्वियसली ये रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, और इसमें गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगी। रेस्पिरेटरी पार्ट में हमारे पास 4 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगी, और जो मेस्टिकेटरी पार्ट है वो हमारा च्यूइंग ऑफ फूड में हेल्प। तो इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं ये पोस्टीरियर फेरिंग्स और ये मेस्टिकेटरी पार्ट होगा जो हमें च्यूइंग ऑफ फूड में हेल्प करेगा।
तो एंटीरियर जो फेरेंक्स है गाइस, रेस्पिरेटरी फेरेंक्स है, इसमें फोर पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे ये फोर पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे हमारे पास, इधर भी गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे। और जो गिल आर्क्स है, जो ये फेरेंजियल हमारे पास ये कैविटी है, इसमें क्या होंगे, स्मॉल स्पाइनी गिल रैकर्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे इसमें स्मॉल स्पाइनी गिल रैकर्स प्रेजेंट होंगे। उसके बाद जो हमारा पोस्टीरियर फेरेंक्स है, ये मेस्टिकेटरी पार्ट है, इसमें क्या होगा, थ्री रोज ऑफ होमोडोंट टीथ प्रेजेंट होंगे। जो टीथ है हमारे वो होमोडोंट होंगे, एक्रोडोंट होंगे और पॉलीफायोडोंट होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय होमोडोंट? नाउ होमोडोंट टीथ वो होते हैं जो सारे सिमिलर टाइप के होंगे। एक्रोडोंट टीथ हमारे पास वो होते हैं जो एक रिम में प्रेजेंट होते हैं, एक रो में प्रेजेंट होते हैं। एंड पॉलीफायोडोंट टीथ वो होंगे दैट कैन बी रिप्लेस मेनी अ टाइम्स इन देयर लाइफ स्पैन। सो दीज आर प्रेजेंट इन एंटीरियर, इन पोस्टीरियर मेस्टिकेटरी पार्ट। अब मेस्टिकेटरी पार्ट में एक टूथ भी होगा, मतलब ईच टूथ, इसमें क्या होगा, टूथ के अंदर बेसल एक रूट होगी और उसमें कॉनिकल क्राउन होगा। तो जो ये सारा मेस्टिकेटरी पार्ट है, फूड की च्यूइंग में, मेस्टिकेशन में हेल्प करेगा। तो ये फेरेंक्स का रोल होता है जो हम अब पढ़ चुके हैं। फेरेंक्स के बाद गाइस हमारे पास आता है ईसोफेगस। अब ईसोफेगस में क्या होता है, ईसोफेगस रीजन यहाँ पे ये आ गया, ये सारा रीजन हमारे पास कौन सा है, ईसोफेगस रीजन। ईसोफेगस रीजन में हमारे पास सबसे पहले छोटा सा नैरो सा रीजन है, ट्यूबुलर रीजन है। इसमें क्या होंगे, लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स होंगे। यहाँ पे ये लाइंस देख रहे हो, दीज आर लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स इन ईसोफेगस, दीज आर सेवन इन नंबर। और क्या होगा इसमें, ईसोफेगस में आप देख सकते हो, उसके बाद ये छोटा सा रीजन है और इसमें क्या होगा, न्यूमेटिक डक्ट की ओपनिंग होगी। यहाँ पे ये जो सर्कल है छोटा सा, मैं एक बार ये ड्राइंग क्लियर करूंगी, देन यू विल बी क्लियर अबाउट दिस थिंग, ओपनिंग ऑफ न्यूमेटिक डक्ट। सो दिस इज अबाउट द ईसोफेगस। यहाँ पे आप देख सकते हो छोटी सी ओपनिंग है ईसोफेगस की। तो गाइज अब तक हमने क्या पढ़ा है, माउथ, बक्कल कैविटी, फेरेंक्स, ईसोफेगस। फेरेंक्स और ईसोफेगस की हमने स्लाइड नहीं रीड की, सो एक बार उसको रीड कर लेते हैं, कई बार कुछ स्किप हो जाता है, तो विल कम टू नो फ्रॉम दैट। और फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम पहले ही आपको इसी तरह से स्टमक के बारे में डायग्राम के थ्रू क्लियर करूंगी, उसके बाद फिर हम स्लाइड पे आएंगे। सो कमिंग टू द स्लाइड, फेरेंक्स। फेरेंक्स क्या है गाइज हमारे पास, डोर्सो वेंट्री, द बक्कल कैविटी लीड्स इन टू अ डोर्सो वेंट्रली कॉम्प्रेस्ड फेरेंक्स। फेरेंक्स क्या है, लेटरली बाउंडेड बाय गिल आर्क्स होंगी एंड इज वेल डिफ्रेंशिएटेड इन टू एंटीरियर और रेस्पिरेटरी पार्ट, पोस्टीरियर मेस्टिकेटरी पार्ट। इसके बारे में आपको मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है, देन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई क्लियर योर डाउट। जो एंटीरियर रेस्पिरेटरी पार्ट है, इट इज परफोरेटेड लेटरली बाय फोर पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। इसमें फोर पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होंगी एंड फ्रॉम गिल आर्क्स प्रोजेक्ट इनटू फेरेंजियल कैविटी। फेरेंजियल कैविटी में वहां पे जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें क्या होंगे, गिल रैकर्स होंगे विच प्रिवेंट द पासेज ऑफ, जो गिल स्लिट्स में फूड नहीं जाने देंगे। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ गिल रैकर्स। तो इसमें हमने एंटीरियर रेस्पिरेटरी पार्ट रीड कर लिया, नाउ इट कम्स अबाउट पोस्टीरियर मेस्टिकेटरी पार्ट। पोस्टीरियर मेस्टिकेटरी पार्ट में थ्री रोज ऑफ होमोडोंट फेरेंजियल टीथ होंगे। यहाँ पे आप ऐड कर लेना होमोडोंट के साथ एक्रोडोंट एंड पॉलीफायोडोंट टीथ ऑन इट्स वेंट्रोलेटरल वॉल, किस लिए हेल्प करेंगे, फॉर द मेस्टिकेशन ऑफ फूड, च्यूइंग ऑफ फूड, बाइटिंग ऑफ फूड एटसेट्रा। सो ईच टूथ हैज अ नैरो, अब टूथ में क्या होगा, नैरो बेसल रूट होगी और एक कॉनिकल क्राउन होगा, टीथ की बात कर रहे हैं बेसिकली। और द फ्लोर ऑफ दिस पार्ट इज, इनका जो फ्लोर है वो हाईली फोल्डेड होगा। सो दिस इज अबाउट द फेरिंग्स रीजन। फेरिंग्स वही दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, आई थिंक सो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद गाइस हमारे पास आ जाता है ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है, द फेरिंग्स लीड्स इन टू अ शॉर्ट नैरो ट्यूबुलर ईसोफेगस, इट्स म्यूकोसल लाइनिंग इज, इसमें लॉन्गिट्यूडनली फोल्डेड होगी म्यूकोसल लाइनिंग
मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि इट हैव सेवन लार्ज लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स ऑफ म्यूकस मैम्ब्रेन. सेवन लार्ज लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स होंगे ऑफ म्यूकस मैम्ब्रेन. प्लीज एड दिस लाइन हियर. सो उसके बाद है द न्यूमेटिक डक्ट फ्रॉम द एयर ब्लैडर ओपन्स डॉर्सली. जो न्यूमेटिक डक्ट है वो इसोफेगस में ओपन होगी. सो आई होप गाइज यू आर क्लियर विद द फेरेंक्स एंड इसोफेगस. फेरेंक्स और इसोफेगस के बाद हम करते हैं स्टमक. अब देखो स्टमक रीजन के बारे में हमें यहाँ पे स्टडी करना है. स्टमक रीजन में बेसिकली जो गाइस हमारी लेबियर हो तो होती है, इसमें ट्रू स्टमक तो एब्सेंट होता है. ट्रू स्टमक इज एब्सेंट इन लेबियर रोहिता. यहाँ पे क्या आता है, इंटेस्टाइनल बल्ब आता है, फिर उसके बाद इंटेस्टाइन आता है. इंटेस्टाइनल बल्ब देखो इसमें, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, इंटेस्टाइन आएगा. यहाँ पे ये देखो इंटेस्टाइनल बल्ब, ये जो स्वॉलन सैक लाइक पार्ट है, दिस इज द इंटेस्टाइनल बल्ब. ये क्या है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पार्ट होगा. बेसिकली 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पार्ट. और इसमें क्या होता है, हमारा फूड स्टोर होता है. फूड इज स्टोर्ड इन द इंटेस्टाइनल बल्ब. जो म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइनल बल्ब, अब इसमें जो म्यूकस है, म्यूकस ऑफ इंटेस्टाइनल बल्ब कंटेन्स एब्सॉर्प्टिव एंड म्यूकल सेल्स होंगे. इसमें एब्सॉर्प्टिव सेल्स होंगे, म्यूकस सेल्स होंगे. अब जो एंटी हमारा इंटेस्टाइनल बल्ब है, इट विल बी डिफ्रेंशिएटेड, ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड होगा. एक तो एंटीरियर जो ये ब्रॉडर सा कार्डियक पार्ट है, और सेकेंड होगा पोस्टीरियर नैरो पाइलोरिक पार्ट. ये देख सकते हो आप यहाँ पे एंटीरियर साइड में कार्डियक पार्ट और पोस्टीरियरली पाइलोरिक पार्ट. सो दिस इज अबाउट द इंटेस्टाइनल बल्ब. अब जो हमारा इसमें पाइलोरिक सिक्के एक तो एब्सेंट होंगे, ये बात आप याद रखना. और म्यूकस ऑफ, अब इसमें जो म्यूकस होगा कार्डियक पार्ट में, ये हमारे पास हनीकॉम लाइक फोल्ड्स बनाता है. और जो पाइलोरिक पार्ट में होंगे वो लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स बनाएंगे. ये देख सकते हो आप, ये हनीकॉम लाइक फोल्ड्स बनाएंगे कार्डियक पार्ट में, और जो पाइलोरिक पार्ट में है ये लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स हमारे पास बनाते हैं. अब इंटेस्टाइनल बल्ब के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, नैरो एलोंगेटेड कॉन्वुलेटेड. आप देख सकते हो यहाँ पे इंटेस्टाइन, ये नैरो कॉन्वुलेटेड हमारे पास क्या आ जाता है, इंटेस्टाइन आ जाता है. इसकी लेंथ देखे तो हम होगी 8.4. एक्चुअली मैं क्लियरली लिख नहीं पाती हूँ यहाँ पे, सो आप लोग मेरी वर्डिंग के थ्रू समझ जाना. 8.4 मीटर लॉन्ग होगा इंटेस्टाइन. उसके बाद जो इसमें म्यूकोसा म्यूकस है, इट विल फॉर्म ऑब्लिक ट्रांसवर, ये ट्रांसवर फोल्ड्स बनाएंगे इंटीरियर रीजन में, और वही ये लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स बनाएंगे पोस्टीरियर रीजन में. और इनमें जो स्पायरल वाल्व होगी वो एब्सेंट होती है. तो दिस इज अबाउट द इंटेस्टाइनल बल्ब एंड इंटेस्टाइन. तो आपको ये क्लियर होगा आई गेस. एक बात और आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, जो लेवियो है बेसिकली ये हर्बीवोरस फिश है. इट्स इंटेस्टाइन इज लॉन्गर. जो इसकी हर्बीवोरस फिश होंगी उनका इंटेस्टाइन लॉन्गर होगा इन कंपैरिजन टू कार्निवोरस फिशेस. और इसमें इंटेस्टाइनल विलाय भी एब्सेंट है. सो ये बेसिक बातें हैं जो आपको जस्ट याद रखनी है. सो आई होप स्टमक और इंटेस्टाइन के बारे में सब कुछ क्लियर है. तो एक बार स्लाइड रीड कर लेते हैं, देन विल मूव फर्दर. सो कमिंग टू द स्लाइड, हियर इज इन लेबियो ट्रू स्टमक इज एब्सेंट. ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू ट्रू स्टमक इज एब्सेंट. इसोफेगस ओपन्स इन टू अ स्वॉलन सैक लाइक एंटीरियर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन. द सैक लाइक पार्ट इज नोन एज इंटेस्टाइनल बल्ब. इन दैट फूड इज स्टोर. इसोफेगल ओपनिंग इन टू इंटेस्टाइनल बल्ब. अब वहाँ हाँ ये चीज हमने स्किप कर दी. सो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देती हूँ. जो इसोफेगल ओपनिंग इनटू इंटेस्टाइनल बल्ब, ये गार्ड की जाती है किसके थ्रू, इसोफेजियल वाल्व, टू प्रिवेंट रीगर्गिटेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. कि इसोफेजियल वाल्व का क्या फंक्शन होता है, दिस आई विल लेट यू नो.
जो इसोफेजियल वाल्व है इसमें, दिस विल हेल्प टू चेक द एंट्री ऑफ रेस्पिरेटरी करंट इनटू इंटेस्टाइनल बल्ब। बेसिकली हमारे पास चेक करती है एंट्री ऑफ रेस्पिरेटरी करंट इनटू द इंटेस्टाइनल बल्ब। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर एब्सेंट इन इंटेस्टाइनल बल्ब, और इसमें कौन कौन से सेल्स होंगे, एब्सॉर्प्टिव एंड म्यूकस सेल्स होंगे। दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एब्सॉर्प्टिव एंड म्यूकस सेल्स। अब इंटेस्टाइनल बल्ब है वही टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंटीरियर पार्ट कौन सा होगा, कार्डियक पार्ट, पोस्टीरियर इज पाइलोरिक पार्ट, पाइलोरिक सी के एब्सेंट होंगे। और म्यूकस जो कार्डियक पार्ट है इसमें हनीकॉम लाइक फोल्ड्स होंगे, और जो पाइलोरिक पार्ट है इसमें लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स होंगे। दिस आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड एवरीथिंग थ्रू द डायग्राम। सो इंटेस्टाइनल बल्ब इज फॉलोड बाय नैरो एलोंगेटेड इंटेस्टाइन, इट्स म्यूकस फॉर्म्स ऑब्लिक ट्रांसफर फोल्ड्स इन एंटीरियर रीजन एंड लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स इन पोस्टीरियर रीजन। सो दिस इज अबाउट द स्टमक। सो दिस स्लाइड इज ऑल्सो क्लियर टू यू गाइज। मैं आपको अगेन सजेस्ट कर रही हूँ, प्लीज साइड बाय साइड अपने नोट्स बनाते रहना, दिस विल हेल्प यू अलॉट। अब उसके बाद आ जाता है रेक्टम। रेक्टम और एनस आ जाते हैं हमारे पास। द इंटेस्टाइन इज फॉलोड टर्मली टर्मिनली इनटू थिन वॉल्ड स्लाइटली डायलेटेड रेक्टम। इसकी म्यूकस म्यूकोसल लाइनिंग जो होगी, इट विल शो ट्रांसवर्स फोल्ड्स, इसमें ट्रांसवर्स फोल्ड्स होंगे, और जो रेक्टम है वो ओपन हो जाएगा किसमें, एनस में। इसका इतना पार्ट करना दैट इज क्वाइट सफिशियंट। इसमें जस्ट वही है कि ओपन हो जाएगा एनस में, और इसके बाद एनस एनस के बारे में भी हमने बहुत कम पार्ट करना है। लाइक यू नो द फंक्शन ऑफ एनस, एनस जो है कि वेंट्रल साइड में होगी इन फ्रंट ऑफ जेनेटल अपर्चर एंड यूरिनरी। जो अपर्चर मैंने आपको बताया था आपको एनल फिन की तरफ, वो डायग्राम में मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियर किया था। सो वहां पे हमारी एनस होगी। जो मैंने आपको थ्री ग्लैंड्स बताए थे ना, वेट अ मिनट, आई क्लियर अगेन थ्रू द डायग्राम। सो जस्ट अ मिनट, हेयर इज द डायग्राम। यहाँ पे हमारी एनस होगी, यहाँ पे एनस होगी, यहाँ पे मिडल जेनाइटल, हेयर यूनिवरी के अपर्चर, तो ये तीनों यहाँ पे होंगे। ओके गाइस क्लियर है, ये मैंने वैसे लास्ट वीडियो में क्लियर कर दिया था, सो मैंने अगेन आपको एक बार क्लियर कर दिया। उसके बाद स्टमक के बाद हमें पढ़ना है, रेक्टम हो गया, एनस हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद हमें पढ़ना है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स लैब्यूरोइटा में दो होते हैं, लीवर एंड दी पेंक्रियास। सबसे पहले हम इसे डायग्राम के थ्रू पढ़ते हैं, देन वी विल कम टू द स्लाइड। अब इसके डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को हमने पढ़ना है। तो लीवर, लीवर जो है हमारे पास यहाँ पे टू लोब्स में होगा, राइट लीवर लोब एंड लेफ्ट लीवर लोब। इनके बीच में क्या होगा, मीडियन लोब ऑफ लीवर, जो इन दोनों लोब्स को कनेक्ट करेगी। हमारे पास राइट लोब की तरफ यहाँ पे हमारे पास गॉल ब्लैडर होगा, गॉल ब्लैडर। तो लीवर में क्या है गाइस, सबसे पहले हम यही बोलेंगे इट इज लार्ज डार्क ब्राउन बाइलोब ग्लैंड है, बाइलोब है जिसमें टू लॉब्स प्रेजेंट है। देन इट इज इंटरकनेक्टेड बाय एंटीरियर, जो ये इंटरकनेक्टेड बाय यहाँ पे एंटीरियर मिडल लोब ऑफ लीवर, जो इन दोनों लोब्स को हमारे पास कनेक्ट करती है। तो इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो यहाँ पे डक्ट है एक सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट क्या करेगी, ये जो गॉल ब्लैडर का इंटीरियर पार्ट है इसको छोड़ेगी फ्रॉम द राइट मीडियन लोब ऑफ लीवर, और इसमें क्या होगा, बाइल डक्ट ओपन होगी इनटू द इंटेस्टाइनल बल्ब। जो यहाँ पे ये इंटेस्टाइनल बल्ब है यहाँ पे, तो आपको डायग्राम के थ्रू लीवर का स्ट्रक्चर क्लियर है।
मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। लीवर जो है हमारे पास यहाँ पे टू लॉब्स में प्रेजेंट होगा, राइट लीवर लोब, लेफ्ट लीवर लोब, और इनको जो इंटरकनेक्ट करेगी वो है मीडियन लोब ऑफ लीवर। देन क्या करेगा, सिस्टिक डक्ट, इट विल लीव द इंटीरियर एंड ऑफ गॉल ब्लैडर एंड गॉल ब्लैडर रिसीव्स हेपेटिक डक्ट फ्रॉम, अब यहाँ पे हिपेटिक डक्ट है जो ये यहाँ पे है, ये सारी लोब्स आके कनेक्ट हो रही है, जिसको हम पेंक्रियाटिक डक्ट बोलेंगे। ये देखो लेफ्ट साइड से भी, ये देखो लेफ्ट साइड से भी लोब आ रही है, राइट साइड से भी आ रही है, मीडियन सब यहाँ पे आके कनेक्ट हो रही है। इट विल नोन एज पेंक्रियाटिक डक्ट। जो गॉल ब्लैडर है, इट विल रिसीव अ हिपेटिक डक्ट फ्रॉम राइट लेफ्ट एंड मीडियन लोब्स ऑफ लीवर। क्या बनाएगा यहाँ पे, इट विल फॉर्म बाइल डक्ट विच विल ओपन इन टू द इंटेस्टाइनल बल्ब। बाइल डक्ट बनाएगा जो इंटेस्टाइनल बल्ब में ओपन होगा। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। तो एक बार स्लाइड के थ्रू क्लियर कर लेते हैं। सो हेयर इज लीवर इज डार्क ब्राउन बाइलोब ग्लैंड, लार्ज डार्क ब्राउन बाइलोब ग्लैंड। राइट लीवर लोब इज नैरो। अब हाँ, राइट जो लीवर लोब होगी वो नैरो होगी देन लेफ्ट लीवर लोब। बोथ दीज लोब्स आर इंटरकनेक्टेड एट थ्री रीजन्स, जहाँ पे एंटीरियर, मीडियन, पोस्टीरियर बाय मीडियन कनेक्टिंग लोब्स। ये दोनों लोब्स कहाँ, किसके थ्रू कनेक्ट होंगी, बाय मीडियन कनेक्टिंग लोब्स। गॉल ब्लैडर इज एन एलोंगेटेड सैक अबाउट 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड इज प्लेस बिटवीन द टू लीवर लोब्स, दोनों लोब्स के बीच में होगा। अ सिस्टिक डक्ट अराइज फ्रॉम द इंटीरियर एंड ऑफ द गॉल ब्लैडर एंड रिसीव्स थ्री हिपैटिक डक्ट। वो तीनों साइड से हिपैटिक डक्ट रिसीव करती है ना, देन इट विल ओपन इन टू द कार्डियक पार्ट ऑफ इंटेस्टाइनल बल्ब। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज। उसके बाद हमें पढ़ना है पेंक्रियाज के बारे में। पेंक्रियास क्या है, ये एक डिफ्यूज स्ट्रक्चर है फाउंड अमंग द जो कॉयल्स ऑफ इंटेस्टाइन है एंड इट एक्सटेंड्स इन द लीवर, और जो पेंक्रियाटिक डक्ट है वो ओपन होती है सेपरेटली इनटू द कार्डियक पार्ट ऑफ इंटेस्टाइनल बल्ब। सो इट इज डिफ्यूज स्ट्रक्चर फाउंड अमंग द कॉयल्स ऑफ इंटेस्टाइन एंड ऑल्सो एक्सटेंड्स इन टू द लीवर। पेंक्रियाटिक डक्ट ओपन सेपरेटली इन टू द कार्डियक पार्ट। तो सेम बात यहाँ पे लिखी हुई है इन्होंने। तो हाँ, मैं आपको एक बार ना पेंक्रियास डायग्राम के थ्रू भी बता देती हूँ। तो इसमें गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो कि ये जो कॉमन ओपनिंग है बाइल एंड पेंक्रियाटिक डक्ट की, तो ये लीवर में एक्सटेंड होती है, तो वो आपने उस डायग्राम में देखा। सो दिस वाज ऑल अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ऑफ लेब्योरोहिता। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, एंड इफ एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो अबाउट दिस। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू रेस्पिरेटरी पार्ट, और यू कैन इन्फॉर्म मी विच पार्ट यू वॉन्ट टू डू फर्स्ट, देन विल बिगिन विद दैट ओनली। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन गाइज, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जीपीएस ट्यूटोरियल। थैंक यू गाइज।